बहुत बढ़िया रिजॉर्ट है, निकलने का मन तो नहीं करा क्योंकि हमने अभी इसको अच्छे से एक्सप्लोर भी नहीं किया, मगर आए हैं तो काठमांडू, सॉरी आई एम बैक, आए हैं तो काठमांडू तो देखेंगे ही, तो इसलिए हमने जाना थोड़ा सा अपनी बीवियों बच्चों के लिए कुछ खरीदारी भी कराएं, और वो असली काठमांडू जो पिछली बार मैं टाइम की वजह से चलते देख नहीं पाया था वो देखना चलते हैं, टाइम भी पूरा है हमारे पास, कुछ नेपाली खाना खाएंगे, नेपाली ट्राई करेंगे। आओ जाओ, जो मैं कितना चमक रहे हैं आज, गुलाटी साहब तो ग्लो ही चला गया, शर्मा गया। So long, but nothing now can keep us down. Yeah, we're back on track and we're on attack. Can't hold. सर जो पीछे बिल्डिंग है ना, ये तो एक तो कसीनो है ही है जिसके अंदर हम शूटिंग नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे रूल्स बड़े स्ट्रॉन्ग है। दूसरी चीज, साथ में जो प्रिवे क्लब है ना वो खुल रहा है, तो जो दिल्ली में भी है ना प्रिवे, प्रिवे दिल्ली में, तो अभी नाइट क्लब वो एक महीने में जो भी यहाँ पे चालू हो जाएगा, बट हम जा रहे हैं क्योंकि अभी नेपाल आए हैं तो यहाँ पे टेंपल्स बड़ी सिग्निफिकेंस होती है, तो सेंटर में जाने से पहले यहाँ का एक बड़ा खास टेंपल है, जैसे कहते हैं सिटी के व्यू बहुत बढ़िया है, और वहाँ जाने के लिए कितनी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं सर, 365 365 साल के हर दिन की एक है, कोई बात नहीं हम चढ़ेंगे सर, ऐसा कोई रास्ता जिसमें सीढ़ी ना चढ़नी पड़े, थोड़ा तो पड़ेगा लेकिन मैं बैग से ले जाऊंगा आपको, अरे वाह, तो वहाँ से आपको सिर्फ थोड़ी सीढ़ी, सर मेरे को 365 वाली सीढ़ियाँ चढ़वा दो, फिर इसको स्टूडियो पे उतार दो, हमें ऊपर छोड़ देना, ओके ठीक है सर, हो सकता पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल है लेकिन टाइम लग जाएगा क्योंकि दोनों अलग अलग साइड पे हैं, अलग अलग साइड, तो कोई बात नहीं, एक ही साइड पे चल लेते सीढ़ी वाली साइड पे, सर एक काम करते हैं आप बिना सीढ़ी वाली साइड से चलते हैं और आप होटल की सीढ़ी ऊपर नीचे हो लेना, शाम को टाइम पर शॉप पूरा कर लेंगे भाई साहब, हमें क्यों चढ़वा रहे हो इतनी गर्मी में, मैं कल शाम को रेजोल्यूशन लिया कि मैं सुबह उठूंगा एक्सरसाइज करूंगा, अच्छा हां तो देखो भाई साहब की क्या चक्कर है भाई, दिखाओ भाई क्या चक्कर है भाई, यूं करके बात कर रहे थे, मैं कहीं यूं कर रहे थे, मैं भी जब नहीं कर लेता तो बार बार टाइम देखता हूँ। चलो मैं छुपा लेता हूँ, रेजोल्यूशन तो रह गया भाई साहब, रेजोल्यूशन ये था कि सुबह सुबह भाई 6 बजे उठना है, एक्सरसाइज करनी है, मैंने कहा अच्छी बात है, मैंने कहा आप उठते हो तो हमें भी उठा देना, हम लेजी सोल्स भी सुधर जाएंगे भाई साहब, मैं 2 घंटे पहले उठ गया भाई साहब, 2 घंटे बाद उठे, कल सुबह उठ के करते हैं, यहाँ पे योगा वगैरह भी है और बढ़िया इनका जो है ना जिम बहुत बढ़िया है, फिटनेस सेंटर बहुत बढ़िया है, और बाकी जी व्यू यहाँ से जो है ना काठमांडू वैली का बड़ा ही जबरदस्त है, अगर हम अभी जा रहे हैं थोड़ी बहुत सीढ़ियाँ तो चढ़नी पड़ेंगी, फिर आपको जाके इसके बारे में बताते हैं, अच्छी जगह है। और काठमांडू एक वैली है, इसका पूरा अंदाजा आपको लगता है ऐसी किसी एक सराउंडिंग हिल टॉप पे आके, और जहाँ दिल्ली में जून के महीने में 45 डिग्री का टेम्परेचर हो रहा है, यहाँ का टेम्परेचर था 25 से 30 डिग्री के बीच। और इस वैली में तकरीबन 3 करोड़ लोग रहते हैं। बड़ी इंप्रेसिव साइट है, वेरी हिस्टोरिक, बड़े सारे स्तूपा एंड टेंपल यहाँ पे बने हुए हैं, और सर जी ये ना टेक्निकली स्पीकिंग बुद्धिस्ट साइट भी मानी जाती है टेंपल, okay, भी और हिंदूज के लिए भी रिवर्ड है, मगर स्वयंभू जो इसका नाम है, ये स्वयंभू भी एक्चुअली इफ आई एम नॉट रॉन्ग एक रिलीजन होता था जो नेपाल में ही ओरिजिनेट हुआ है, आई डोंट नो सर, मेरे को कुछ भी नहीं पता इसके बारे में, मेरे को भी पूरा इतना आइडिया नहीं है, बट प्राइमरली दिस इज अ बुद्धिस्ट प्लेस, सर आर यू श्योर, ऑलमोस्ट If I'm wrong, तो मैं माफी मांगता हूँ जी, यही ठीक नहीं, ये मैं जरूर बोलता हूँ। बाकी जी स्तूपास, बुद्धिस्ट साइट्स, टेम्पल्स यहाँ पे काफ़ी कुछ है इस कॉम्प्लेक्स के अंदर, और स्वयंभू एक तरीके से एंशियंट पुरानिक भाषा में देखा जाए तो स्वयं से उत्पन्न हो जाने वाला ये भी मतलब हुआ इसका, और कई जो हिस्से इसके कहते हैं कि तकरीबन 3000 साल तक पुराने। बाकी जी बुद्धिस्ट टेम्पल में एक ये बड़ी फेमस चीज़ होती है, कहते हैं गुड लक के लिए करते हैं, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि
आप इससे करके अपनी विशेस को जो है ना सर्कुलेट करते हुए भगवान तक पहुंचा देते हैं। अलग अलग इसकी ऊपर थ्योरीज हैं, एग्जैक्टली क्या है वो तो भगवान जाने, मगर हम भी कर लेते हैं। क्या व्यूज है बाबू जी, यहाँ से तो मतलब मान ही गए। और ये आ रही है नी 365 सीढ़ियाँ यहाँ से चढ़ती हुई, ओह तेरी और आप पीछे जी काठमांडू। पूरा का पूरा काठमांडू नजर आ रहा है यहाँ से। काठमांडू नजर आ रहा है, मैं कह रहा हूँ अपना होटल मैंने पहचान लिया, पहचान के दिखा दो। ओ हाँ वो रहा, ओ दो लंबी लंबी बिल्डिंग है। ये क्या आवाज, इसमें से आ रही आवाज? ये ओम का। अरे 3000 बहुत ज्यादा है। अरे उठा अंदर सुन, वही 12 धातु क्लोज। अच्छा ये ओम की आवाज आ रही है इसमें, और वाइब्रेट भी करता है ये। अच्छा बोल था बहुत बढ़िया, बड़ी जबरदस्त वाइब्रेशन थी उसकी, पानी भी छर्राटे मारते हुए उसके अंदर से उड़ता गया था। रात को एक भी ये कर सकते हो, मेडिटेशन के लिए अच्छी चीज़ थी, मगर सबसे बड़ा ड्रॉबैक है फिर उसको तो चलाने के लिए बंदा चाहिए जो मेडिटेट कर रहा है, उसके लिए दूसरा करेगा या वो खुद करेगा तो फिर वो इफेक्ट क्या आएगा, तो समझ नहीं मांगा। मेन बात जो आपको बतानी है, कितने मांग रहे थे? 3000 रुपीज़। और एंड में क्या मैंने बोला सीधा 1000 रुपये, 1500 रुपये, 1200 रुपये, फिर 1000 भी ओके हो गई क्योंकि हम चल गए थे। तो इतना है यहाँ पे, आप लगा लो। सिक्के लिए आपने? ये असली सिक्के नकली हैं? नकली असली है, मार्केट में चलते हैं ये है? हमें तो पता ही नहीं नेपाली रुपए कैसे होते हैं। अच्छा तो चेंज ले रहा तू, कितने की कितनी, किस हिसाब से मिली? ये 40 रुपीज़ है। ये 1 सिक्के कितने का है? 2 रुपीज़। 2 रुपये का। तो आपने अपनी कमीशन कितनी रखी खुले करने की? 4 रुपीज़। 4 रुपये, ठीक है। 16 सिक्के दिए। अच्छा ठीक है। अब इसको पानी में फेंकने से क्या होता है जी? 16 सिक्के तो 8 रुपए हो गए। हाँ जी सर, निशाना लगाना है वो उसके अंदर, वो उसमें जाएगा ना भाई साहब? आराम से चलो लगाओ लगाओ। तो मैं भी करूंगा। आप भी करोगे? आप तो हंस रहे थे उसके ऊपर, बच्चों की तरह। 2-4-5 मैं भी कर लूंगा। अच्छा निशाने के एलिमेंट आ गए तो मैं भी करूंगा। अरे कितना बहुत ही ऑफ था। अरे छोड़ो गुलाटी साहब, अरे रहन दो यार, नहीं गया 5 सिक्के फेंक दिए, एक भी नहीं गया, एक भी नहीं गया, एक भी नहीं गया। तू सुकुंदर को दे दे, तेरा एक चला जाएगा फिर। दे दे ये ले चल। अब दो मांग रहा है, एक नहीं गया गुलाटी साहब का। अरे फेंक ही गलत रहे हो आप, अंडर आर्म फेंक रहे हो। ओल एक भी नहीं गया। अब गुला मिस्टर सुकुंदर फेंकेंगे, फेंको सर। ओ बच गया, नियर एस्केप, चलो फेंको ना। ओए ओए ओ भाई साहब आपका हो गया, वेरी गुड यार, ओ बच गया। क्या अब बाकी भी तू? ये ले 10 रुपए पकड़। मेरे दोनों बारी बड़े नियर एस्केप है। अच्छा बिल्कुल बराबर है। अरे रह गया फिर। अरे सर लो जी, नहीं हुआ, 50 रुपए गए। आ गई दरबार स्क्वायर। भाई साहब यहाँ बंदे की एंट्रेंस फीस है या गाड़ी की? मतलब आपको भी फीस देनी पड़ेगी, हमें भी देनी पड़ेगी? नहीं फीस नहीं है आपको, टूरिस्ट को देना पड़ेगी। टूरिस्ट को देनी पड़ेगी? अच्छा अरे वाह। अब जी हम आ गए हैं मेन दरबार स्क्वायर। सर मैं भी पहली बार ही आया हूँ यहाँ पे देखने के लिए, और सरदार जी की तो इम्पोर्टेंट कॉल आ गई है। तो बड़ी मिठी सी वाइब्स आ रही है, सारा कुछ ये हेरिटेज लग रहा है। अब बड़ा बिल्कुल बिल्कुल विंटेज स्टाइल है। और अब अंदर हम जाके जा देख के आए थोड़ा, क्योंकि मार्केट यही है, खरीदारी यही कर लेते हैं। करवा बहुत बड़ा शॉपिंग एरिया है। हाँ सिटी की ब्यूटी देखो। हाँ जी टिकट लगी है इस एरिया में आने की 150 रुपए नेपाली पर पर्सन। हाँ जी हाँ जी। आदर्श विद्यालय। विद्यालय वेरी नाइस। Nice.
मेन तो जी एक ओपन मार्केट ही है अभी इस एरिया में, बाकी जो पुरानी पुरानी बिल्डिंग है ये थोड़ा सा वाइब और कैरेक्टर को ऐड करती है, और फ्यूजन इन द सेंस इसलिए कि यहाँ पे मॉडर्न आर्ट गैलरीज और काफ़ी मॉडर्न कॉफ़ी शॉप्स वगैरह भी खुलने लगी हैं, मोमो शॉप्स तो होती हैं, कल्चरल सामान भी मिल रहा है एंड मॉडर्न आर्ट भी अवेलेबल है. और जैसे ही आप अंदर आ जाते हैं, एक तो ये है कि यहाँ पे धूप नहीं है ना, दोनों तरफ बिल्डिंग्स हैं, तो यहाँ पे बुटीक होटल्स, बुटीक कॉफ़ी शॉप, बथेरे कैफे भरे हुए हैं, एक ये रहा फायर फ्लाई कैफे, यहाँ पर लस्सी मिल रही है, दोस्त सुधार जी के लिए एक लस्सी लेने का विचार है, बाकी जगह जगह पे मोमोज की शॉप्स और टैटू आर्टिस्ट यहाँ पे बहुत सारे हैं. मेरे ख्याल से इसका नाम ही फ्रीक स्ट्रीट तो नहीं है, हर जगह फ्रीक स्ट्रीट लगा हुआ है, इसने निकनेम डाल दिया होगा भगवान जाने. बाकी सर मोमोज तो देखे जाओ, हर जगह मिलेंगे आप. बाकी जो टैक्सियों की तो यहाँ पे पूरी नेगोशिएशन करनी पड़ती है, मीटर पे कोई चलता नहीं. गुरखा बियर पिएंगे नेपाल की लोकल भाई, यहाँ तो फोर्ड का पिकअप ट्रक भी है, इंडिया कब आएंगे कमाल होगी. लो जी टेस्ला भी है. बाकी जगह तो किसी अच्छी जगह जाएंगे जहाँ पे थोड़ा नॉर्थ इंडियन थोड़ा नेपाली सारा मिल जाए, चाइनीज मोमोज और हर काम जो है इनका बियर वियर वाले स्वाद पूरे हो जाए. तो बस इसीलिए हम आ गए हैं एलिस, जो मैं अपनी मोमो वीडियो जो मैंने शूट की थी उसमें हम यहाँ पे आए थे स्पेशलिटी मोमोज खाने के लिए नेपाल के. हेलो सर, कैसा लगा पहला? वेरी नाइस. अच्छा, वेरी डिफरेंट, वेरी नाइस. खाओ सर आप, खाओ प्लीज. अगर आपने मेरी मोमोज और नेपाल वीडियो नहीं देखी तो ये जो ग्रीन मोमोज हैं बहुत ही ज़बरदस्त, और इसके साथ जो डिप आती है ना वो बहुत टेस्टी है. पता नहीं कोई शायद करी है या कोई ग्रेवी है भगवान जाने क्या, मगर फ्लेवर सब्जी जैसा आता है बट बहुत टेस्टी.